हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 से सीबीएसई पैटर्न के मैथ से चैप्टर नंबर 7 से एक्सरसाइज नंबर 7.4 को कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका 7.4 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स। क्या दिया गया, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल। कंपेयर मीन्स होता है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी डेसिमल्स दिए गए हैं उनकी तुलना करानी है कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है, यानी इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स, ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उन सबको कंपेयर करना है। मीन्स छोटे को छोटा बताना है, बड़े वाले को बड़ा बताना है फाइंड करके। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें होल नंबर्स क्या दोनों में इक्वल है। जब कंपेयर करना होता है बेटा तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 राइट किया गया। होल नंबर्स की बात करें तो कंपेयर करेंगे इन दोनों में तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसमें जो 8 है वो मोर है, ज़्यादा है, किसके अपोजिट में, 4 के अपोजिट में। तो कहेंगे सर ये 4 जो है छोटा हो गया और 8 हो गया बड़ा, तो हमने ये कंपेयर करके दिखा दिया। समझ में आया, ये तो होल नंबर्स के साथ था। तो वैसे ही इसमें आपको क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको होल को मैच करना है। ठीक है, अगर होल नंबर एक दूसरे से बड़े छोटे होते हैं तब हम तुरंत ही होल के अकॉर्डिंग उनको हम क्या करा सकते हैं, बड़ा छोटा बता सकते हैं। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि होल नंबर आपका क्या है, 1 है, यहां भी होल नंबर 1 है, तो होल नंबर तो दोनों में कॉमन है, तो होल नंबर से हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको डेसिमल पार्ट को देखना है कि डेसिमल पार्ट में किसमें कम ज्यादा नंबर है। तो आप देख सकते हैं इसमें टेंथ प्लेस पर क्या है, 6 है, 6 है, और इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर भी 6 है। तो यानी टेंथ प्लेस भी दोनों में क्या है, कॉमन है, एक जैसा है। तो अभी तक तो दोनों नंबर बराबर चल रहा है, कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ। अब यहाँ आप देखिए इसका जो है 100 प्लेस 7 है और इसका 100 प्लेस क्या है, 8 है। तो बताइए 7 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, कहेंगे सर 8 बड़ा होता है। तो यहीं पे जैसे ही हमारा नंबर एक दूसरे से बड़ा छोटा पता चला तो वैसे ही वो पूरा का पूरा नंबर उस दूसरे वाले डेसिमल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी तक 1.6 1.6 एक जैसा था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 7 छोटा हो गया, यहाँ 8 बड़ा हो गया। तो बताइए इन दोनों में कौन सा डेसिमल ज़्यादा है, बड़ा कौन है, तो कहेंगे सर 1.687 क्या है, ज़्यादा है। तो चलिए आइए इसके लिखने के प्रोसेस को समझ लेते हैं कि आपको किस तरीके से राइट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर द होल नंबर्स पार्ट, जो होल नंबर के पार्ट हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। तो हम राइट कर लेंगे कंपेयर द होल नंबर पार्ट, वी हैव, हमारे पास क्या क्या है इसमें होल नंबर में, 1 1, तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया, इक्वल लगा दिया। अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयर द टेंथ डिजिट एट टेंथ, वी हैव 6 6। आप देख सकते हैं, आप क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे टेंथ्स को, किसको, टेंथ्स को, यानी डेसिमल पार्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका डेसिमल पार्ट भी 6 6 है, तो यहाँ से भी अभी हमको पता नहीं चला। तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे चलेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे कहेंगे नाउ कंपेयर द 100th डिजिट। अब हम क्या करेंगे, 100th डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एट 100th वी हैव 7 and 8, हमारे पास उसका 100th क्या है, दोनों में एक का 7 है एक 8 है, तो दोनों का कंपेयर करने पे कौन बड़ा आया, 8 बड़ा आया, 8 आया ना। तो इसलिए 8 की तरफ का सारा नंबर, सारा का सारा डेसिमल नंबर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को राइट कर लेंगे 1.678 और 1.687, और हम साइन के थ्रू दिखाएंगे कि भाई 1.687 क्या है, ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है। ये इस तरीके से आपको कंपैरिजन कराना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर बी। आप इसमें देख सकते हैं 2.40 एंड 2.4। तो क्या करेंगे, कंपेयर द होल नंबर्स पार्ट, सबसे पहले आपको होल नंबर को कंपेयर करना है। तो क्या हो गया, वी हैव 2 equal to 2 और 2, दोनों क्या है, बराबर है, जैसे हैं। तो यहां से अभी हमको नहीं पता चला, तो आगे चलेंगे। नाउ कंपेयर द टेंथ डिजिट एट टेंथ वी हैव 4 4। अब हम क्या करेंगे, टेंथ को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे टेंथ भी इक्वल है दोनों में। तो आप करेंगे, अभी हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में देखा था लाइक एंड अनलाइक। तो यहाँ पे अगर आप 0 भी राइट कर लेंगे तब भी, यहाँ आप देख सकते हैं 0 है, यहाँ भी 0 आप बना लेंगे, या नहीं है तो आप वहाँ 0 मान सकते हैं। तो बताइए ये भी तो इसके बराबर ही हो गया, तो अब क्या हो गया, 2.40 equal 2.4, ये दोनों कैसे डेसिमल हैं, ये दोनों ही इक्वल हैं, इक्वलेंट हैं, तो हम बीच में इक्वलेंट का साइन भर देंगे। समझ में आया, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर से आपका 5.1 एंड 5.001 सेम प्रोसेस है। आपको सबसे पहले होल नंबर को कंपेयर कराना है एंड 10th प्लेस को कंपेयर कराना है एंड फिर आपको 100th को कंपेयर कराना है। जिस भी प्लेस पे आपको मोर नंबर मिल जाएगा, ग्रेटर नंबर मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वह पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं, सी का सोल्यूशन है और यहाँ आप क्वेश्चन नंबर डी है, डी का फुल सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका ई है, यहाँ पर भी आप फुल सोल्यूशन देख लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे यफ पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यफ, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पर राइटिंग करना है, इस तरीके से कंपेरिजन किया जाता है डेसिमल पार्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है ये, आप देख सकते हैं, और डाउन साइड चलें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका यच है। ठीक है, आप लोगों को भी अपनी कॉपी पर सेम इसी तरीके से राइट करना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर आई आपका, ठीक है, विद सोल्यूशन आप देख सकते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर द होल नंबर पार्ट, वी हैव 73 इक्वल 73, दोनों में 73 होल नंबर क्या है, इक्वल है, तो हम कहेंगे आप अगले नंबर को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर द 10th डिजिट को करिए, तो यहाँ क्या मिला हमको, एट 10th वी हैव 99, 10th भी हमारा इक्वल है, तो आगे चलेंगे। नाउ कंपेयर द 100th डिजिट, एट 100th वी हैव 1 एंड 5, 100 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे 5 है, तो कौन बड़ा हुआ, 5 बड़ा हो गया, तो कहेंगे सर यहाँ पूरा का पूरा ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ 73.915 है, यहाँ पे 73.951 है। आया बात समझ में आपको, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या दिया गया, अरेंज करना है आपको, व्यवस्थित करना है द फॉलोइंग डेसिमल्स, जो ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं डेसिमल के, इन मींस में डिसेंडिंग ऑर्डर मींस घटते क्रम में कह सकते हैं, किसमें, घटते क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। तो चलिए आइए समझते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं ओनली 2 है होल नंबर, इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, तो 2 हो गया, 1.75 है, 0.7 है, 1.8 है, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर तो जानते ही हैं। अगर होल नंबर्स में डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करी जाए, सपोज डेट यहाँ पे एक नंबर दिया गया कुछ इस तरीके से, तो डिसेंडिंग ऑर्डर करते समय हम क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं, यानी बिग टू स्मॉल। सबसे पहले हम बड़े नंबर को लाते हैं, तो बड़ा नंबर कौन है, 9 है, तो 9 को पहले प्लेस पर रखेंगे, और आपका फिर 7 है, 7 को रखेंगे, फिर 3 को, फिर 2 को, तो यही तो हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को, इस डेसिमल को भी अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करते समय ये याद रखना है कि इसके सभी डेसिमल पार्ट को हमको एक जैसा बनाना पड़ेगा, मींस लाइक बनाना है। ठीक है, सभी डेसिमल पार्ट को आपको लाइक बनाना, इसके पिछली वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि लाइक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके सभी डेसिमल पार्ट को विथ जीरो के साथ एक जैसा बना लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 होल नंबर है, तो 2 को हम राइट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे, और इसका डेसिमल पार्ट नहीं दिया गया तो हम इसके डेसिमल पार्ट को क्या कर सकते हैं, 0 0 कर दीजिए। क्या इसके वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, बट इसको हमको अरेंज करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 2.00 हमने कर लिया, इसको लाइक बना लिया, और लाइक आप उतने ही प्लेसेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे इस क्वेश्चन के डेसिमल पार्ट सबसे ज़्यादा टाइम में आया है, मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं 1 भी नहीं था, यहाँ आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 2 पार्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं 1, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 75 यानी 2 बार आया है इसमें, तो आपको सारे को क्या कर लेना है, इसी के बराबर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 2.00 कर देंगे, यानी 2 प्लेसेस को इसको हमने 0 रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1.75 है तो 1.75 राइट कर देंगे ऐसे स्ट्रेट में, और यहाँ पे आपका 0.7 होल नंबर 0 है तो 0 के प्लेस पे राइट कर देंगे, पॉइंट लगाए देंगे, और उसके बाद आपका 7 है तो 7 राइट कर लेंगे, और एंड देन इसका अगला नहीं दिया गया है नंबर, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइक बना लेंगे, 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 1.8 है तो 1 आपका होल नंबर पे, पॉइंट पॉइंट के नीचे, उसके बाद 8 है, 8 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद इसको हम लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे से 0 लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम बेटा फिर से क्लियर करा दें कि जब भी हम इसको लाइक बनाते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, अगर हम पीछे से 0 लगाते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ही है जितना वो ऐसे राइट किया गया है या वो ऐसे राइट किया गया। ठीक है, तो अब ये देखिए अरेंज हो गया आपका लाइक में, किसमें, लाइक में, तो अब
इसको हमको अरेंज करना बहुत ही इजी हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए आइए समझते हैं। अब होल नंबर्स के अकॉर्डिंग पहले आप देखिए, जैसे वन में आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर वन में इसी एक्सरसाइज का कि कंपेयर कर रहे थे किसको, हम होल नंबर को कंपेयर कर रहे थे। अगर जिसका होल नंबर सबसे ज़्यादा है, अधिक है, तो वह पूरा का पूरा नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ होल नंबर क्या है, टू है, यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, वहाँ वन है। तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दिया, टू, तो टू सबसे फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 2.00 क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसको हम दिखाएंगे भाई ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलिए, हमने इसको राइट कर लिया, अब आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास 1.75 बचा है, 0.70 बचा है और 1.80 बचा है। अब बताइए होल को मैच करें तो यहाँ पर आपका है वन, यहाँ पर भी वन है, दोनों में आप देख सकते वन वन, इसका तो जीरो, ये तो सबसे छोटा है, यहां भी वन, यहां भी वन। अब क्या करेंगे, इससे तो नहीं पता चला, अब हमको क्या करना, टेंथ प्लेस को मैच करना। यहां आपका टेंथ प्लेस क्या है, सेवन है, यहां टेंथ प्लेस क्या है, एट है। तो कौन बड़ा हुआ, एट वाला बड़ा हो गया, तो 1.80 क्या हो जाएगा, सेकंड प्लेस पे, 1.80 सेकंड प्लेस पे कहेंगे अब ये इससे बड़ा है, ठीक है, इससे ये बड़ा है। अब आइए चलिए, हमने इसको भी राइट कर लिया। अब हमारे पास टोटल कितने बचे हुए हैं, दो बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका होल नंबर वन है, इसका जीरो है, तो वन वाला ऑलरेडी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 1.75 को फिर राइट कर लेंगे, कहेंगे भाई ये इससे बड़ा है, ठीक है। और हमने इसको भी राइट कर लिया। अब हमारे पास कितने बचे हैं, केवल 0.70 बचा, ये सबसे छोटा था, तो हम पीछे के साइड से राइट करेंगे 0.70, तो 0.70 आएगा, क्या आएगा, 70, ठीक है, 70 वाला सबसे छोटा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अरेंज हो गया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये सेम इसी तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको करना है। तो चलिए आइए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है बी, इसको आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लाइक कर लेना है आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका डेसिमल पार्ट 1, 2, 3 है, इसमें 1, 2 है, इसमें 1, 2 है, इसमें 1, 2 है, सबसे ज़्यादा कौन है, 3 इसमें है। तो क्या कर लेना है, इसके पीछे हमको क्या कर लेना है, 0 लगा लेना, तो सबका एक जैसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3.685, अब जो है यहाँ पे 2.18 दिया गया था केवल, तो यहाँ 0 लगा के इसके प्लेसेस को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ऐसे सबको आपको इक्वल कर देना है पीछे से 0 लगा करके, एंड देन इसको फिर होल नंबर को मैच करना है। सबसे पहले जिसका होल नंबर सबसे बड़ा है, वह डेसिमल भी सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 5 सबसे बड़ा था, तो 5.660 आ जाएगा पहले प्लेस पर, और ये हमने राइट कर लिया। आप दूसरे को कंपेयर करिए, यहाँ आप देख सकते हैं 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 वाले बड़े होंगे, तो 3 के 2 हैं। तो आप क्या करेंगे, होल के बदले अब हमको टेंथ को मैच करना होगा, टेंथ प्लेस यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, टेंथ से नहीं पता चला, अब 100th को मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका 8 है, यहाँ आपका 1 है, तो कौन बड़ा हो गया, 8 वाला बड़ा हो गया, तो ये आएगा आपका सेकेंड प्लेस पर, तो 3.685 सेकेंड प्लेस पर आ गया, ठीक है। अब इसी को हम मैच कर रहे थे इससे, तो यानी ये आपका थर्ड प्लेस पर चला आएगा, ये थर्ड प्लेस पर, और ये आपका डेसिमल सबसे छोटा था, तो ये सबसे लास्ट में राइट करा जाएगा। ये आपका रेंज हो गया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सी विथ सोल्यूशन, ठीक है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम उसी तरीके से इसका सारा फॉर्मेट है, बट केवल इसको क्या कर लेना, हम जानते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो स्मॉल टू बिग होता है, ठीक है, उसी का डिसेंडिंग का उल्टा होता है, उसमें बड़े को पहले रख रहे थे, इसमें हमको छोटे को पहले रखना है। प्रोसेस सेम है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये लाइक में है तब तो नहीं करना, लाइक में नहीं है तो सबसे पहले इनको लाइक बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे मोर देन नंबर किस में आया है, यहाँ 1, 2, 3, इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट है डेसिमल के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग सबको लाइक बनाना है। सब में हमने क्या कर दिया, इसको लाइक बना दिया है, एंड देन उसको अब अरेंज करेंगे हम। असेंडिंग करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटे वाले को फाइंड करना है। तो बेटा आप सबसे पहले होल नंबर को कंपेयर करिए, आप देखिए यहाँ 71, 70, 28, 29, सबसे छोटा कौन, 28 वाला, तो 28 पहले आ जाएगा, उसके साथ डेसिमल पार्ट भी राइट करे जाएंगे, एंड साइन का अब चेंज हो जाएगा, कहेंगे ये सबसे छोटा है तो हमको दिखाना पड़ेगा, जिधर इस साइन का माउथ क्लोज होता है वो सबसे छोटा हम शो कराते हैं उसको, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये सबसे छोटे हैं, अब इधर माउथ ओपन होगा, ठीक है। एंड जब हमने 28 को राइट कर लिया, तो अब हम 1, 2, 3 के जो बचे हैं इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ 29 है, यहाँ 70 है, यहाँ 71 है। आप देख रहे हैं होल नंबर से ही हमको पता चल जा रहा है, तो आपको डेसिमल को देखने की ज़रूरत नहीं। अगर होल नंबर आपके सब में इक्वल हो जाते हैं तब हम डेसिमल के प्लेसेस से मैच करते हैं। अब 28 से बड़ा 29 है, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर पर आ गया। अब यहाँ 71 है, यहाँ 70, तो हम जानते हैं 70 छोटा होता है, सबसे पहले 70 आ जाएगा, 70 वाला, ठीक है। और 71 वाला सबसे बड़ा था इसमें, तो असेंडिंग में सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट
लास्ट में लिखा जाता था 71.600 सबसे लास्ट में, इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर बी, विथ सोल्यूशन आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। तो आज के एक्सरसाइज में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।